जय श्री श्याम भक्तों, बाबा श्री श्याम प्रभु की असीम कृपा और आशीर्वाद से हमारे बिखरे हुए रिश्तों की यादें आपको याद होगा। आप सबने अपना बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आपके आशीर्वाद और बाबा की कृपा से मैं संजय पारिक एक बार फिर आप सबके लिए एक बहुत ही मार्मिक रचना लेकर आ रहा हूँ, दिल छू लेने वाली रचना लेकर आ रहा हूँ, उम्र की राह में। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा, सिर्फ अपने नहीं साया भी छोड़ जाएगा। उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। जिंदगी है नहीं रिश्तों की आजमाइश है, जिंदगी है नहीं रिश्तों की आजमाइश है, एक घर की नहीं घर घर की ये नुमाइश है, खींचनी पड़ती है खुद जिंदगी की गाड़ी को, मतलब ही दौर में मतलब ही सबकी ख्वाहिश है, खून का रिश्ता ही रिश्ते को तोड़ जाएगा। उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। आज ऐसे कई रिश्ते तुम्हें दिखाऊंगा, आज ऐसे कई रिश्ते तुम्हें दिखाऊंगा, बात झूठी नहीं सच्ची कथा सुनाऊंगा, दिखाऊंगा तुम्हें माँ बाप की लाचारी में, बात मैं आज की औलाद की बताऊंगा, नहीं सोचा था कभी ऐसा दौर आएगा। उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। एक बूढ़ा अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था, उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो बूढ़ा व्यक्ति बस स्टॉप पर चाय बेचकर अपना और अपनी बूढ़ी पत्नी का पेट पालता था। पति पत्नी दोनों जानते थे कि कमाएंगे तभी खाएंगे, हमारी कोई औलाद तो है नहीं जो हमें कमा के खिलाएगी। बिना औलाद के परिवार एक रहता था, बिना औलाद के परिवार एक रहता था, बेच के चाय वो अपना गुजारा करता था, उम्र ने ओढ़ रखी थी बुढ़ापे की चादर, बस के स्टॉप पे वो चाय बेच करता था, उसे मालूम था कोई नहीं खिलाएगा। उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा, उम्र की गम में औलाद के अक्सर वो रोया करते थे, गम में औलाद के अक्सर वो रो
रोया करते थे, जागते रात भर दोनों ना सोया करते थे। कहती पत्नी की अगर एक भी बेटा होता, आखिरी उम्र में हम चाय ना बेचा करते। लिखी ठोकर जिसे आराम कहाँ पाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। बना के चाय घर से बूढ़ा लेके आता है, बना के चाय घर से बूढ़ा लेके आता है। जोर से चाय की आवाज वो लगाता है। बसे सब जा चुकी थी यात्री को ले करके, बस का स्टाफ अब खाली सा नजर आता है। थोड़ी ही देर में सुनसान नजर आएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। काफी रात बीत चुकी थी, सारी सवारियां लेकर बसें जा चुकी थी, बस स्टॉप लगभग सूना हो चुका था। चाय वाला देखता है एक बुजुर्ग पति पत्नी बस स्टॉप पर अंधेरे में बैठे हुए हैं, और चाय वाला सोचता है इस समय ना तो कोई बस आने वाली है ना ही यहाँ से कहीं जाने वाली है, फिर ये दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं। एक कोने में वहां पत्नी पति बैठे थे, एक कोने में वहां पत्नी पति बैठे थे। दोनों थे बूढ़े से कमजोर बड़े लगते थे। चाय वाला वो उनको देख के हैरान हुआ, बस तो कोई नहीं है फिर क्यों यहाँ बैठे हैं। यहाँ कुछ देर में सन्नाटा पसर जाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। सोचता है दोनों कहाँ जाएंगे, बूढ़ा वो सोचता है दोनों कहाँ जाएंगे। बसें तो जा चुकी सर्दी में ठिठुर जाएंगे। दिल में ये सोच के वो उनके पास जाता है, उनसे वो पूछता है आप कहाँ जाएंगे। पत्नी कहती है मेरा बेटा लेने आएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। इसके आगे तो उस माता से फिर बोला ना गया, इसके आगे तो उस माता से फिर बोला ना गया। चाय वाले से फिर बैठे हुए बूढ़े ने कहा, छोटे बेटे ने हमला करके छोड़ा है यहाँ। कहा था हमसे कि ले जाएगा बड़ा बेटा, आएगा मेरा वो बेटा जरूर आएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। चाय वाले ने उनसे कहा काफी रात हो चुकी है,
अब यहां से कोई भी बस नहीं जाएगी। आपको कहां जाना है, किसका इंतजार कर रहे हो? अब सुबह से पहले टेम्पो रिक्शा भी नहीं मिलने वाला है। यहां वो दोनों पति पत्नी उदास गुमसुम से चुपचाप बैठे हैं। सूनी सड़क के ऊपर उनकी निगाहें टिकी हुई है। चाय वाले ने कहा रात ढलने वाली है, चाय वाले ने कहा रात ढलने वाली है, सुबह से पहले कोई बस ना आने वाली है, कहाँ जाना है आपको जरा कुछ तो बोलो, रिक्शा टैक्सी तो क्या बस भी ना मिलने वाली है, अंधेरी रात है पैदल ना चला जाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। ने कहा मन हमारा कहता है, बूढ़ी औरत ने कहा मन हमारा कहता है, बेटा आएगा लेने पास में ही रहता है, आपने इतना कहा आपकी मेहरबानी, हमसे बेटा हमारा प्यार बहुत करता है, जब तलक ना ले जाए खाना नहीं खाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। चाय वाले ने उनसे फिर से एक बार कहा, चाय वाले ने उनसे फिर से एक बार कहा, आपको जाना कहा उनसे बार बार कहा, यहाँ से कोसों दूर कोई इलाका है नहीं, आपके लाडले का बोलो है घर बार कहाँ, आएगा कब वो यहाँ कब वो लेके जाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। चाय वाले से तभी धीरे से औरत बोली, चाय वाले से तभी धीरे से औरत बोली, निकाली झोले से एक छोटी सी पर्ची खोली, देखो इस पर्ची पे बेटे का ठिकाना है लिखा, चाय वाले ने उसके हाथ से पर्ची ले ली, बोली जो इस पे लिखा है वहीं से आएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। कांपते हाथों से वो बूढ़ी माँ अपने थैले से कागज की पर्ची निकाल के चाय वाले से बोली, भैया देखो इस पे मेरे बड़े बेटे के घर का ठिकाना लिखा हुआ है, भैया हम अनपढ़ हैं, आप पढ़ के बताइए ना कहाँ का पता लिखा है इस पर। लाके चेहरे पे खुशी फिर उसी औरत ने कहा, लाके चेहरे पे खुशी फिर उसी औरत ने कहा,
हम तो अनपढ़ हैं भाई, हमसे न जाएगा पढ़ा। आप पढ़ करके बता दो मेरे बेटे का पता। भूल के सो गया होगा क्योंकि सोता है बड़ा। नींद टूटेगी तो मन में बड़ा पछताएगा। उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। खोल के पर्ची को पढ़ता है चाय वाला वो। खोल के पर्ची को पढ़ता है चाय वाला वो। पढ़ के पर्ची को रोने लगता भोला वाला वो। पांव के नीचे से धरती ही फिसल जाती है। जुबा पे जैसे लगा लेता अपने ताला वो। उसका लगता है कलेजा ही फट सजाएगा। उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। चाय वाले ने जब पर्ची पढ़ी तो उसके पैरों के नीचे से धरती खिसकती हुई लगी। पर्ची लिखने वाला इन दोनों का सगा बेटा था। सगा बेटा पर्ची में साफ साफ लिख कर गया था, जो भी भाई बहन इस पर्ची को पढ़े, पढ़ने के बाद इन दोनों को किसी आश्रम में छोड़ाए या आश्रम का रास्ता बता दे, आप सभी का धन्यवाद। लिखने वाला वो उनका ही सगा बेटा है। लिखने वाला वो उनका ही सगा बेटा है। घर में भाई बहन में सबसे वही छोटा है। लिखा पर्ची में माँ बाप है मेरे दोनों। मैं नहीं ला करके दोनों को यहाँ छोड़ा है। पढ़ेगा पर्ची जो आश्रम में छोड़ आएगा। उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। लिखा है क्या मेरे बेटे ने बताओ भैया। लिखा है क्या मेरे बेटे ने बताओ भैया। पता बेटे का मेरे पढ़ के सुनाओ भैया। पूछती है यही औरत वो चाय वाले से। ठिकाना हमसे ना बेटे का छुपाओ भैया। चाय वाले को लगा नीचे ही गिर जाएगा। उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। दो बेटे हैं इनके फिर भी ऐसी हालत है। दो बेटे हैं इनके फिर भी ऐसी हालत है। अगर औलाद ऐसी है तो बड़ी लानत है। भले औलाद नहीं थी हमारी किस्मत में, इनकी हालत ही ये औलाद की बदौलत है। कैसे इनसे कहूँ कैसे यकीन आएगा। उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। बूढ़ी माँ ने बड़ी उम्मीद से पूछा, भैया कहाँ रहता है मेरा बेटा, क्या पता लिखा है इसमें।
वो हमें लेने कब आ रहा है? चाय वाला बोले तो क्या बोले, उसकी जुबान को जैसे लकवा मार गया था। बूढ़ा बाप बोले तो क्या बोले, मेरा बेटा किसी काम में जरूर फंस गया होगा, वरना वो बड़ी वाली गाड़ी लेके खुद आ जाता हमको लेने। बूढ़ी माँ बोली, मेरा बेटा बहुत पैसे वाला है, हमारी बहू तो जान छिड़कती है हमारे ऊपर। पूछ औरत ने बेटा मेरा रहता है कहाँ, पूछ औरत ने बेटा मेरा रहता है कहाँ, वो नहीं आ रहा हम ही चल जाएंगे वहाँ, या तो वो काम में खोया या सोया होगा, वरना वो गाड़ी से लेने हमको आ जाता यहाँ, माफी मांगेगा वो रो करके गिड़गिड़ाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। मन में वो सोच रहा इनको क्या बताऊं मैं, मन में वो सोच रहा इनको क्या बताऊं मैं, बता के सच्ची बात इनको क्यों रुलाऊं मैं, हकीकत जान के दोनों यही मर जाएंगे, लिखा जो पर्ची में वो इनको क्यों सुनाऊं मैं, खाट में जाइए बेटा वही मिल जाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। बोल के झूठ उनसे घर को चला जाता है, बोल के झूठ उनसे घर को चला जाता है, अपनी पत्नी से सारी बात वो बताता है, बड़े अरमान से माँ बाप पालते जिसको, वही चौराहे पे एक रोज छोड़ आता है, ऐसा बेटा किसी का साथ क्या निभाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। पति पत्नी रात के अंधेरे में पैदल ही चल पड़ते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के सुनसान रास्ते पे बेटे की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनके मन में विश्वास था कि हमारा श्याम बाबा हमारे बेटे से जरूर मिलवा देगा। दोनों अंधेरे में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बस के इस स्टैंड से दोनों ही निकल पड़ते हैं, बस के इस स्टैंड से दोनों ही निकल पड़ते हैं, अंधेरी रात में पैदल ही चल पड़ते हैं, दिल में अरमान है बेटे से उन्हें मिलने का, पूछते पूछते खाटू को वो चल पड़ते हैं, सांवरा शाम ही रास्ता हमें दिखाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। आइए उनके अब बेटे को मैं दिखाता हूँ,
आइए उनके अब बेटे को मैं दिखाता हूँ, कितना खुशहाल है वो आइए मिलाता हूँ। फोन वो करता है हंस हंस के बड़े भाई को, ऐसी औलाद को सिर दूर से झुकाता हूँ। इसका अंजाम अभी ये ना समझ पाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। भाई से कहता है माँ बाप से पीछा छूटा, भाई से कहता है माँ बाप से पीछा छूटा, उनकी हर टोक से हर बात से पीछा छूटा। बड़ा क्या कहता है छोटे से जरा वो भी सुनो, किया अच्छा ही उनके साथ से पीछा छूटा। जिंदगी जीने का अब खुल के मजा आएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। उधर पत्नी पति खाटू में पहुंच जाते हैं, उधर पत्नी पति खाटू में पहुंच जाते हैं। लाख ढूंढा मगर बेटे को नहीं पाते हैं, रोते रोते वो दोनों शाम के दरबार गए। दिलों का दर्द सारा शाम को सुनाते हैं, सुन मेरे शाम तू कितना हमें रुलाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। बूढ़े पति पत्नी बेटे को ढूंढते ढूंढते लोगों से पूछते पूछते खाटू पहुंच जाते हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए दरबार में जाते हैं। दोनों की आंखें बरस रही है। श्याम सरकार से अपने दिल का दर्द सुनाते हैं। श्याम बाबा सब समझ जाते हैं। अब बाबा ने सोच लिया है कि इनके लिए मुझे क्या करना है। के आए हैं के हारे का तू सहारा है, सुन के आए हैं के हारे का तू सहारा है। आज तक हमने तो हारा है सिर्फ हारा है, छोटे बेटे ने हमें छोड़ा था चौराहे पर। तू ही बतला कहाँ बेटा बड़ा हमारा है, तुझ पे विश्वास है तू ही उसे मिलाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। बारी अब शाम की थी दोस्ती निभाने की, बारी अब शाम की थी दोस्ती निभाने की। जो थे हारे हुए उन दोनों को जिताने की, शाम के होते ना कोई भी हार सकता है। शाम की आदत में है यारियां निभाने की, निभाता सबसे है इनसे भी वो निभाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा।
राम दरबार से दोनों वो जब निकलते हैं, श्याम दरबार से दोनों वो जब निकलते हैं, आंखों के आंसू उनके चेहरों पर फिसलते हैं। ठहरने के लिए कुछ रोज धर्मशाला में, दुखी मन को लिए दोनों उधर निकलते हैं। रंग कितने मुकद्दर ये हमें दिखाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। बाबा के दर्शन करके जब दोनों दरबार से निकलते हैं तो उनकी आंखें बरस रही होती है। दोनों उदास मन से रोते हुए धर्मशाला में जाते हैं, अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रहे होते हैं। भक्तों, श्री श्याम प्रभु की कृपा देखिए, जिस धर्मशाला में बुजुर्ग ठहरे हुए थे उसी धर्मशाला में उनका बेटा अपनी बहू को साथ लेके आता है, और वो जब एक दूसरे को पहचानते हैं तो क्या होता है। भक्तों, आइए देखते हैं। हारे लाचार से माँ बाप वो बैठे थे जहां, हारे लाचार से माँ बाप वो बैठे थे जहां, बड़ा बेटा बहु उनके दोनों ठहरे थे वहां। देखा जब सामने दोनों ने बहु बेटे को, दोनों की आंखों से झरने से बहने लगते हैं। दृश्य ऐसा था कि हमसे ना लिखा जाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। बहू ने सास को अपने गले लगाया है, बहू ने सास को अपने गले लगाया है। श्याम की कृपा से दोनों को अपनाया है, दोनों रो करके माँ बाप से माफी मांगे। घर चलो आपको बेटा ये लेने आया है, बिना माँ बाप के हमसे जिया न जाएगा, उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। उम्र की राह में ऐसा भी मोड़ आएगा। बेटे के साथ में माँ बाप दोनों रहते हैं, बेटे के साथ में माँ बाप दोनों रहते हैं। इसी को लोग हारे का सहारा कहते हैं। क्षमा करना जो सुखदेव से हुई गलती, संजय पारिक तो बाबा की शरण रहते हैं। सांवरा श्याम ये सब पर दया लुटाएगा, उम्र की